गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आप सभी जानते हैं कि आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक होता है। ठीक है, इसका हाइड्रोजन है और इसको जो किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है तो इसको हम देखते हैं तो यह आपको H के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और यह हमारे आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य है। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक एक होता है। ठीक है, और परमाणु भार भी इसका कितना होता है? एक ही होता है। ठीक है, इसको हमारी आवर्त सारणी में सबसे पहले स्थान पर रखा गया है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक एक होता है ना। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का एक विशेष महत्व क्यों हुआ है, हाइड्रोजन के लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास एक चैप्टर क्यों दिया गया है। ठीक है, तो हमारे जो नेचर में है हाइड्रोजन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और इसके जो है तीन आइसोटोप्स यानी समस्थानिक हमारे नेचर में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है एक तो आपका क्या है, ये एटॉमिक ग्रुप है। अणु रूप में हम देखें तो हमारे नेचर में है ना, अणु सूत्र की जब बात करें तो हमारे पास H2 के रूप में हमारा हाइड्रोजन गैस के रूप में हमारे पास प्राप्त होता है। और इसका जो अणु भार की बात करें तो इसका जो अणु भार है, इसका अणु भार लगभग 2 के लगभग हमारे पास प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो इसके समस्थानिक कितने होते हैं, तो इसके 3 समस्थानिक हमारे पास होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है, पहला आपका जो इसका समस्थानिक है वो हमारे सबसे पहला कहलाता है हाइड्रोजन या प्रोटियम कहलाता है, दूसरा हमारा कहलाता है ड्यूटेरियम और तीसरा हमारा कहलाता है ट्रिटियम आपका कहलाता है। ठीक है, जो प्रोटियम को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं या फिर प्रोटॉन नाम दे सकते हैं, प्रोटॉन या प्रोटियम नाम दे सकते हैं, इसको हम H11 के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा होता है ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, इसको हम D12 के द्वारा दर्शाते हैं। और तीसरा हमारा होता है ट्रिटियम, ठीक है, इसको हम T13 के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो 1 1 दिया गया है, मतलब कि इसका जो परमाणु क्रमांक है, इन सभी का जो परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 1 1 1 ही होता है, यानी सभी के लिए परमाणु क्रमांक 1 है। परंतु परमाणु जो द्रव्यमान है इनका, ठीक है, सभी का परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, यह इसके अंदर उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन भी आपका कितना है, 1 ही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर बात करें ड्यूटेरियम की, बात करें तो ड्यूटेरियम का जो है पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, प्रोटॉन 1 है और इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं आपके, 1 है। इस प्रकार यहाँ पर हम देखें तो इसका जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से मिलकर बना होता है। तो इसके अंदर 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 आपका प्रोटॉन दोनों मिलकर क्या करते हैं, 2 बना देते हैं। ठीक है, दोनों का योग कितना होता है, 2 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 2 होता है। और इसके अंदर देखा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्रोटॉन होगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, ठीक है, और प्रोटॉन के बाद इसमें कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार इसका जो है परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है आपके पास, 3 हो जाता है। हमारे नेचर में जो होता है प्रोटॉन, ठीक है, यह हमारे नेचर में लगभग 98% प्राप्त होता है और बाकी मात्रा में हमारे पास ड्यूटेरियम और ट्रिटियम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इनके बात करें कि इनकी किन धातुओं से आपके अभिक्रिया होती है और नहीं होती है, ये देखिए। क्योंकि हमारे पास सबसे पहली बात तो यह है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, वह क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये होता है 1s1। ठीक है, तो ये 1s1 होने की वजह से ये क्षार धातुओं की भांति व्यवहार करता है और इसी के साथ साथ यह हमारे किसके द्वारा प्राप्त करता है, हैलोजन ग्रुप के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके
सारणी समानता प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो जब आवर्त सारणी में जब इसका स्थान निर्धारित किया गया तो यह देखा गया कि यह प्रथम समूह से भी समानता दर्शाता है और क्या करता है हाइड्रोजन समूह से भी आपका क्या करता है समानता दर्शाता है। इस वजह से हाइड्रोजन को क्या नाम दिया गया, हाइड्रोजन एक आवारा तत्व होता है। ठीक है, जो प्रथम समूह और आपके 17 समूह दोनों में आपका विद्यमान हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार हाइड्रोजन को एक आवारा तत्व के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समानताएं देखते हैं तो किस किस से समानता है, हमारा हाइड्रोजन क्या है, किस किस से समानताएं प्रदर्शित करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम देखें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखते हैं तो सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है, वैलेंस बॉन्ड होगा। ठीक है, और यही किसके द्वारा दर्शाया जाता है, लिथियम, लिथियम का देखिए 1s2 और 2s1। ठीक है, इसके बाहरी शेल में भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके बाहरी शेल में भी हम क्या देखें, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसी के साथ हम जब सोडियम की बात करें तो सोडियम का भी क्या है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ देखें तो यहाँ आपका क्या है, आपके जो पहला समूह है उस पहले समूह से क्या करता है, समानताएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इसमें भी बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन और एस कक्षक में क्या जा रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो पहली समानता तो ये होगी कि एल के ग्रुपों से इसकी समानताएं होती है। दूसरी देखते हैं संयोजकता की बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो संयोजकता है प्लस वन होती है। ठीक है, जो किससे आप देखिए यार, तो जो एल्किल ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप में क्या होता है आपका, वो भी क्या करते हैं प्लस वन संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार इनसे समानता प्रदर्शित करता है। ठीक है, विद्युत धनात्मक प्रभाव के बारे में बात करें, दूसरा आपका क्या आ जाएगा, विद्युत धनात्मक लक्षण। ठीक है, विद्युत आपका धनात्मक लक्षण। ठीक है, विद्युत धनात्मक लक्षण की बात करें हम तो यहां पर देखिए जो हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है, ठीक है, यह आपका क्या करता है, किसी भी अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ठीक है, जिसे हाइड्रोजन दिया ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बना लेता है, पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे क्या करता है, जो एल्किल ग्रुप होता है जैसे सोडियम होता है, सोडियम भी क्या करता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। इसी के साथ साथ और भी हम देखें तो पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके आपका क्या कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। तो मतलब कि यह किसी विद्युत अपघट्य में इनको डाला जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, इनमें ये समानताएं पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात करें तो जब कैथोड पर होता है, ठीक है, तो कैथोड पर यह क्या करता है, कैथोड पर यह दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर हाइड्रोजन गैस के रूप में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, औपचारिक प्रकृति की बात करें तो औपचारिक प्रकृति में क्या होता है, यह किसी से किसी इलेक्ट्रॉन कम वाले तत्व को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देकर अपचयित कर देता है और स्वयं स्वतंत्र हो जाता है। तो ये इसमें इस प्रकार की क्या होती है, इस समानताएं होती है। ठीक है, इसके साथ हम देखें तो हेलोजन के साथ जो समानताएं की बात करें, ठीक है, ये तो आपने किसके साथ हुई थी, क्षार धातुओं के साथ समानताएं आपने प्रदर्शित की थी। अब आप देखिए कि हेलोजन से किस प्रकार समानताएं प्रदर्शित करता है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के है ना, हेलोजन के साथ समानता, तो हेलोजन के साथ कैसी समानताएं होती हैं, तो पहली बात देखिए कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है ना, ये होता है हाइड्रोजन का 1s1 होता है, जबकि हेलोजन ग्रुप का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाता है, ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें जैसे कि आपने क्लोरीन का ही ले लिया तो 9 पे है 1s2 2s2 और 2p5। ठीक है,
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें कितनी ही आपका अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो s की पूरी कैपेसिटी आ जाएगी, यानी s2 हो जाएगा पूर्णतः फिल हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर भी कमी होती है। और यहाँ पर देखिए तो p की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 6 होती है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो दोनों में क्या हुआ कि एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इस प्रकार ये क्या करता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना बाह्य शेल पूर्ण कर लेता है। तो ये हाइड्रोजन से इस प्रकार आपकी क्या हो जाती है, समानताएं होती है, ठीक है। हाइड्रोजन में चूंकि हमने अभी देखिए ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, इसके ऑक्सीकरण अवस्था आपने प्लस वन देखी, पर कुछ साइड कुछ हेलोजन क्षारीय कंपाउंड होते हैं उनके साथ इसकी जो संयोग ऑक्सीकरण अवस्था होती है माइनस वन होती है, जैसे कि हम NaH में देखें, ठीक है, तो ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन की जो है ऑक्सीकरण अवस्था माइनस वन होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखें सोडियम क्लोराइड में देखें तो यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, माइनस वन होती है, यानी प्लस वन और माइनस वन दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगली बात देखें तो अणुओं से संयोग की बात करें तो ये इसकी जो संयोजकता होती है केवल एक इलेक्ट्रॉन की वजह से केवल प्लस वन इसकी संयोजकता होती है, और किसी के साथ भी यह क्या करता है, जैसे कि हेलोजन की बात करें तो CCl4 होता है, CF SnCl4 होता है, जिसमें संयोजकता केवल वन होती है, ठीक है। उसके साथ ये क्या करता है, जुड़ता है और केवल एक संयोजकता दर्शाता है। इसी प्रकार हमारा जो है हाइड्रोजन भी क्या है, कार्बन के साथ देखिए ये आपका कार्बन के साथ CH4 बनाता है, एक संयोजकता दर्शाता है, SiH4 बनाता है, ये भी एक संयोजकता प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब विद्युत अपघट्य की बात करें तो किसी व्यक्ति ने जब जब किसी कैथोड पर एनोड पर देखा जाता है तो एनोड पर हम देखते हैं कि जो आपका क्लोराइड होता है, एनोड पर बात करें तो आपका जो NaCl होता है आपका, है ना, NaCl का भी चेंज होता है, Na+ और Cl- में चेंज होता है। आपके एनोड की बात करें यार, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, कैथोड होता है, ठीक है, और ये आपका एनोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो आपका हाइड्रोजन सोडियम यानी Na जो होता है यह भी इसी प्रकार की रिएक्शन हमारे पास शो करता है, Na+ और H- के थ्रू आपके शो करता है। तो इस प्रकार ये क्या कर सकता है कि आपका, है ना, धातुओं से संयोग करके आपका कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। दूसरी बात करें हम आयनन की बात करें, ठीक है, तो आयनन की बात करें तो आयनन में क्या होता है कि यह भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसकी जो आयनन अवस्था फर्स्ट सेकंड इसमें प्राप्त हो जाती है। तो ये आपका क्या हुआ, इसमें हेलोजन के जो है हाइड्रोजन की हेलोजन से समानता है, इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हम अभी बात कर चुके हैं, ठीक है। यहां पर हम विस्तृत रूप में देखते हैं तो हमारे पास जो होता है हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हमारे पास प्राप्त है, ठीक है। पहला है प्रोटियम, ठीक है, दूसरा आपके पास ड्यूटेरियम है, ठीक है, और तीसरा आपके पास क्या प्राप्त हो जाता है, ट्रिटियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, इनके हम सिंबल पहले ही बता चुके हैं आपको। यहाँ पर H11 होता है और ये आपका D12 होता है और ये D13 होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हम इसके नाभिक के विन्यास की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपका एक ही इलेक्ट्रॉन इस नाभिक एक आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और आपका एक ही इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो हम इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जबकि ड्यूटेरियम की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका केवल एक ही रहता है, ठीक है, और इसके जो नाभिक के अंदर है प्रोटॉन आपके कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है।
तो यहां पर आप सॉरी प्रोटॉन आपका एक ही होता है, एक न्यूट्रॉन आ जाता है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ही रहता है और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका जो नाभिक है ना, जैसे नाभिक पर क्या हो जाता है, दो आपके न्यूट्रॉन आ जाता है और एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ जाता है ना, ट्रिटियम। तो ये आपकी क्या होती है, आपके हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक है ना, प्रोटॉन भी एक होता है, इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन एक और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें देखें